बहरे थरूर, तारीफ पर तारीफ, तारीफ पर तारीफ। पीएम मोदी की कितनी तारीफ करेंगे कांग्रेसी शशि थरूर? तारीफ पर ही शशि थरूर को कांग्रेस लगा चुकी है फटकार। फिर भी डंके की चोट पर मोदी के कार्यक्रम में गए शशि थरूर। क्या सिंधिया के बाद शशि थरूर भी जाएंगे बीजेपी के साथ? हिंदुस्तान की राजनीति में ऊंट कब किस करवट बैठ जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। किसने सोचा था कि अन्ना हजारे के भ्रष्टाचारी विरोधी आंदोलन में लालू यादव के खिलाफ आवाज उठाने वाले यही केजरीवाल मोदी को रोकने के लिए लालू यादव की पार्टी से हाथ मिलाने के लिए मजबूर हो जाएंगे? किसने सोचा था कभी कांग्रेस का मजबूत स्तंभ रहे कद्दावर नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद भी एक झटके में कांग्रेस का साथ छोड़ जाएंगे? इसलिए दक्षिण राज्य केरल के दौरे पर गए पीएम मोदी की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिस पर अब दक्षिण की राजनीति गरमाई हुई है। सवाल तो यहाँ तक उठने लगे हैं कि गुलाम नबी आजाद के बाद क्या अब शशि थरूर भी कांग्रेस से पाला बदल लेंगे? दरअसल केरल के तिरुवनंतपुरम लोकसभा सीट से सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर ने जब से मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा है उसी के बाद से माना जा रहा है कि शशि थरूर को साइडलाइन किया जा रहा है, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे को चुनाव के दौरान गांधी परिवार का पूरा समर्थन था, लेकिन इसके बावजूद शशि थरूर उनके खिलाफ चुनाव लड़े और हार गए। इसी चुनाव के बाद से ही माना जा रहा है कि शशि थरूर पिछले कुछ महीनों से पीएम मोदी की कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं। कई ऐसे मौके आए जब सियासी विरोधी होने के बावजूद कांग्रेस नेता शशि थरूर ने पीएम मोदी की तारीफ की। इसलिए रविवार को जब पीएम मोदी दक्षिण राज्य केरल के दौरे पर गए तो यहां उनके स्वागत के लिए प्रोटोकॉल के तहत केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री पिनरई विजयन तो मौजूद थे ही, उनके साथ साथ कांग्रेस सांसद शशि थरूर भी नजर आए, जिन्हें देखते ही पीएम मोदी तुरंत उनके पास पहुंचे और एक हाथ थरूर के कंधे पर रखा जबकि दूसरे हाथ से थरूर से हाथ मिलाते नजर आए। पीएम मोदी और शशि थरूर के बीच हुई मुलाकात की तस्वीर जैसे ही सामने आई अटकलों का दौर गर्म हो गया। हर कोई ये कयास लगाने लगा कि क्या कांग्रेस का एक और विकेट गिरने वाला है, क्या गुलाम नबी आजाद के बाद शशि थरूर भी कांग्रेस छोड़ने वाले हैं? आदिल खान नाम के यूजर ने लिखा, तिरुवनंतपुरम में पीएम मोदी का एयरपोर्ट पर स्वागत करने पहुंचे कांग्रेस एमपी शशि थरूर ने आज सबको चौंका दिया। क्या थरूर को मोदी पसंद है? धीरेन्द्र गिरी नाम के एक पत्रकार ने लिखा, राजनीति में संभावनाओं को कभी भी नकारा नहीं जा सकता। ये बात तब और ज्यादा सटीक बैठती है जब करीब एक साल बाद आम चुनाव होने हैं। पीएम मोदी तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद शशि थरूर से गर्मजोशी से बातचीत करते दिख रहे हैं। आलोक नाम के एक ट्विटर यूजर ने तो लिखा, केरल में अगले विधानसभा चुनाव में शशि थरूर होंगे बीजेपी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार। जब से शशि थरूर ने पीएम मोदी का स्वागत किया है सोशल मीडिया पर कुछ इसी तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं, क्योंकि शशि थरूर उस कांग्रेस के सांसद हैं जो बीजेपी और मोदी सरकार के खिलाफ अडानी के मुद्दे पर पिछले कई महीनों से मोर्चा खोले हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने 19 अप्रैल को ही एक ट्वीट में साफ कर दिया था कि वो पीएम मोदी के कार्यक्रम में जरूर जाएंगे। एक ट्वीट में थरूर ने लिखा था, केरल के लिए वंदे भारत ट्रेनों का सुझाव देते हुए मैंने 14 महीने पहले ट्वीट किया था। मुझे खुशी है कि अश्विनी वैष्णव ने ऐसा ही किया केरल को वंदे भारत ट्रेन देकर। मैं 25 तारीख को तिरुवनंतपुरम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा केरल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाने वाले कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उत्सुक हूँ। प्रगति राजनीति से परे होनी चाहिए। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने 19 अप्रैल को ही पीएम मोदी के कार्यक्रम में शामिल होने का वादा किया था और आज जब पीएम मोदी ने वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई तो इस दौरान कांग्रेस सांसद शशि थरूर भी उनके साथ मौजूद नजर आए। पीएम मोदी के साथ नजर आने के बाद से ही शशि थरूर के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें दरअसल इसलिए लगाई जा रही हैं क्योंकि पिछले कई महीनों से थरूर मोदी की तारीफ करते रहे हैं। पिछले साल ही मार्च की बात है जब कांग्रेस नेता थरूर ने एक बयान में कहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक डायनेमिक नेता है, उनकी भाषण देने और कार्य करने की शैली लोगों को प्रभावित करती है, यही कारण है कि 4 राज्यों में मोदी जी की वजह से भाजपा की जीत हुई है। साल 2022 के सितंबर महीने में ही उन्होंने एक बार फिर पीएम मोदी की तारीफ की। इस बार कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा, अगर मोदी जी अच्छा भाषण देते हैं तो हम उनकी बहुत तारीफ कर सकते हैं।
लेकिन अगर उनकी पॉलिसी देश के लिए अच्छी नहीं है तो हम उनकी आलोचना भी करेंगे। उसको भी देखना चाहिए, जब वो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर करवाते हैं तो उनकी तारीफ की है। वो स्वच्छ भारत लेकर आए, मैंने उनकी तारीफ की, लेकिन ये भी कहा कि ये सिर्फ फोटो अप नहीं होना चाहिए। इतना ही नहीं, साल 2019 के लोकसभा चुनाव में जैसे ही पीएम मोदी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में लौटे तो कांग्रेस नेता शशि थरूर ने उनकी तारीफ में कहा था, प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे देश में 2014 के 31% के मुकाबले भाजपा का मत प्रतिशत 2019 में 37% तक पहुंचा दिया है। पार्टी के तौर पर कांग्रेस को ये समझना चाहिए कि क्यों उसे महज 19% वोट ही मिले। जैसा कि आप जानते हैं, मैं 6 साल से ये दलील देता आ रहा हूं कि मोदी जब भी कुछ अच्छा कहते हैं या सही चीज करते हैं तो उनकी तारीफ करनी चाहिए। ऐसा करने के बाद जब हम उनकी गलतियों की आलोचना करेंगे तो हमारी बात की विश्वसनीयता बढ़ेगी। मैं विपक्ष के उन लोगों का स्वागत करता जो मेरे विचार से मिलती जुलती बात कर रहे हैं। शशि थरूर के इस बयान के बाद तो कांग्रेस इस कदर भड़क गई थी कि पार्टी के सांसद के मुरलीधरन ने तो थरूर के बयानों पर यहां तक कह दिया था कि केरल में पार्टी उनसे बहुत असंतुष्ट है। नरेंद्र मोदी की तारीफ करके कोई कांग्रेस में कैसे रह सकता है? मोदी की तारीफ करनी है तो थरूर को बीजेपी में शामिल हो जाना चाहिए। कांग्रेस जहां मोदी की तारीफ से चिढ़ रही है तो वहीं दूसरी तरफ शशि थरूर हैं कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। वो आज भी पीएम मोदी की तारीफ करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। इस बार तो डंके की चोट पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर केरल पहुंचे, पीएम मोदी का स्वागत ही नहीं किया बल्कि कार्यक्रम के दौरान उनके साथ भी मौजूद रहे। इसलिए पीएम मोदी थरूर की मुलाकात के बाद एक तरफ जहां ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या सिंधिया की तरह ही थरूर भी बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। वैसे आपको क्या लगता है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही केरल दौरे पर गए पीएम मोदी ने इस दौरान क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। केरला के पास देश और दुनिया को देने के लिए बहुत कुछ है। यहां कल्चर है, क्विजिन है और बेहतर क्लाइमेट है और इसमें ही समृद्धि का सूत्र जुड़ा हुआ है। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले कुमाराकोम में G20 से जुड़ी मीटिंग हुई है। G20 की और भी कई बैठकें केरला में हो रही है। इसका लक्ष्य भी दुनिया को केरला से और ज्यादा परिचित कराने का है। केरला के मट्टा राइस और कोकोनट के अलावा रागी पट्टू जैसे श्री अन्न भी प्रसिद्ध है। आज हम भारत के श्री अन्न को पूरी दुनिया तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। केरला में जो भी उत्पाद हमारे किसान, हमारे हस्तशिल्पी बनाते हैं उनके लिए हमें वोकल होना है। जब हम वोकल फॉर लोकल होंगे तभी दुनिया हमारे प्रोडक्ट्स को लेकर वोकल होगी। जब हमारे प्रोडक्ट्स दुनिया तक पहुंचेंगे तो विकसित भारत के निर्माण का रास्ता और सशक्त होगा।